अज जी एन ए यूनिवर्सिटी वालों हुशियारपुर के प्रसिद्ध रेलवे मंडी स्कूल दिया विद्यार्थना जिन्हों वालों बारहवीं की प्रीख्या से शानदार प्रदर्शन किया गया उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों हौसला अफजाई करद हो सन्मानित करने एक सधारण समागम स्कूल प्रिंसीपल ललिता अरोड़ा की अगवाई करवाया गया जिस जी एन ए यूनिवर्सिटी के पी आर ओ इंजीनियर गुरमीत सिंह भी विशेष तौर पर हाजिर हुए। इस मौके बारहवीं की प्रीख्या च मल्ला मरण वाली विद्यार्थियों विशेष तौर पर सन्मानित किया गया। गलबात दौरान प्रिंसीपल ललिता अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने स्कूल दिया विद्यार्थियों हर साल ही बोर्ड दिया प्रीख्यावां वधिया प्रदर्शन करके स्कूल अते जिले का नाम पंजाब भर च रोशन कर दिया ने। उन्होंने कहा कि स्कूल दिया तीन विद्यार्थियों ने पंजाब च थां बनाई है तो बाकी विद्यार्थियों भी 90% तो वधेरे अंक लैके पास हुई ने। यूनिवर्सिटी के पी आर ओ इंजीनियर गुरमीत सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी सिक्ख्या च मल्ला मरण वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करने लई हर साल उन्होंने सन्मानित करती है तो जो विद्यार्थी 90% या 80% तो वधेरे अंक लैके पास होंगे ने उन्होंने जी एन ए वालों हाई एजुकेशन लिए वड्डे पद्धर से स्कालरशिप भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का एको एक उद्देश विद्यार्थियों शिक्षित करके अपने देश और सूबे ही रुजगार देना है जिस विच काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी सफल भी हो चुकी है। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अवंतिका शर्मा। अवंतिका शर्मा, तुम प्लस टू वोकेशनल चो ऑल ओवर पंजाब चो फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो की कहना चाहते हो, कितनी खुशी महसूस हो रही है? सर बहुत खुशी हो रही है और बहुत सारा थैंक यू स्कूल को, प्रिंसिपल मैम को, मीना मैम को और सारे सब्जेक्ट टीचर्स को जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की है और बाकी भी सभी टीचर्स का जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट की। लेकिन आप ऑल ओवर एक्सपीरियंस की गल करिए, कहोजा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सारिया अज जो मुकाम हासिल किया, कई तरह दियाँ मुश्किलों का भी सामना करना पैंदा, कदे कोई होया होवे इदां दा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लूँगी, लेकिन जब यहाँ पे आई तो लगा ही नहीं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा है हमारी स्टडी के लिए भी, और सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है जिसके लिए कभी लगा ही नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है। जी एन ए यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सम्मानित किया गया और उन्होंने एक हाई स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया है, क्या कहना चाहते हैं? सर अच्छा है, वो भी हमारे लिए अच्छा है कि हम हायर स्टडी करेंगे तो हमारे जो इकोनॉमिक थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी हमें। एम क्या है? सर BBA करनी है मुझे। अंतिमा शर्मा है और मैं MOP ट्रेड की हूँ। प्लस टू कितने मार्क्स हासिल किए और पंजाब से ऑल ओवर कितना रैंक है? 15th रैंक है, 500 में से 485 आए हैं। जी की कहना चाहते हो, एक बड़ा मुकाम हासिल किया, कभी सोचा कि इस मुकाम तक पहुँचोगे? सोचा तो कभी नहीं था, बट बहुत खुशी महसूस हो रही है अभी फिलहाल। सो किस तरह का सहयोग रहा पेरेंट्स का, स्कूल टीचर्स का? पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, स्कूल टीचर्स का, इंचार्ज मैम मीना मैम, प्रिंसिपल मैम का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। जी एन ए यूनिवर्सिटी की तरफ से आज अपॉर्चुनिटी दी गई है हाई स्कॉलरशिप के लिए, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी हमें अब हायर स्टडीज़ के लिए। क्या इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो? BCA करना चाहती हूँ मैं। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्या शर्मा है मेरा नाम। दिव्या शर्मा, कितने मार्क्स है और ऑल ओवर पंजाब के अंदर? 15th रैंक आया है मेरा ऑल ओवर पंजाब में से, 485 आए हैं आउट ऑफ 500। एम क्या है? मैं BCA करना चाहती हूँ आगे। ओके, एक्सपीरियंस कैसा रहा, टीचर्स किस तरह से हेल्प करते थे स्कूल के? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है स्कूल में आने के बाद, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में है पर ऐसे लग नहीं रहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ के प्रिंसिपल बहुत हेल्पफुल है, काइंड है, हमारे मैम मीना मैम है, उन्होंने बहुत हेल्प की है, एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड किए हैं, बहुत ही सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे हैं हमारे। जी एन यूनिवर्सिटी वालों इवेंट किया गया तो जो स्टूडेंट्स मार्क्स साल पास हुए हैं, जिन्हें मेरिट चाहिए उन्होंने सम्मानित किया गया, हौसला अफजाई की गई है, कहना चाहते हैं? सर अज बहुत ही खुशी का दिन है कि अज जे एन ए यूनिवर्सिटी वालों मेरे स्कूल के स्टेट टॉपर बच्चे नू, मेरिट होल्डर बच्चों तो जोड़े बच्चे 90% उपर मार्क्स लिया उन्होंने सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही गर्व वाली गल है कि साढ़े स्कूल के बच्चे ने पूरे स्टेट नू टॉप किया है। जदों कोई बच्चा अपनी जर्नी पर चलता है, रस्ते विचोनू कंडे भी मिलते हैं, फुल भी मिलते हैं, पर जेकर उन्हें रस्ते विच खुशियां मिलन, शाबाशियां मिलन, ट्रॉफियां मिलन, तो उसकी जिहड़ी जर्नी है होर भी सुखाली हो जाती है। अज जी एन ए यूनिवर्सिटी वालों मेरे बच्चों नू ट्रॉफियां दे के ना केवल उन्होंने बच्चों का नमान वधाया है बल्कि स्कूल का भी सिर उच्चा हो गया है। सो मैं इन्हों बच्चों नू बहुत बहुत आशीर्वाद दिनी हाँ, तो इन्हों के आने वाले भविख लिए इन्हों शुभकामनावान दिनी हाँ,
ते नाल दे नाल ही मैं GNA यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि इन्होंने इन्नी वड्डी जिहड़ी हैगी तदी विच मेरे बच्चों नूं ट्रॉफियां दित्तियां ते इन्हां दा हौसला ते मान वधाया। थैंक यू। जेकर आपां सरकारी तो अलावा प्राइवेट सैक्टर की गल करिए तो प्राइवेट सैक्टर के विच एक अजिही एकमात्र GNA यूनिवर्सिटी है जो हर साल ही है जो स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हैं। सो किस तरह वेखदे हो प्राइवेट सैक्टर नूं GNA यूनिवर्सिटी दे इनिशिएटिव नूं? देखो विद्या का दान तो सारे लोग दे रहे हैं पर जेकर विद्या के दान के नाल नाल एक आप सोशल काम भी करिए। मैं पहले ही तुहानू कहा हैगा कि जेकर बच्चों की हौसला वधाई भी हुंदी रहे तो बच्चों होर अच्छा लगता उन्हों का होर पढ़न दिल करता होर उच्चिया मंजिलों पर पहुँचन दिल करता। इस करके मैं इस कदम लिए GNA यूनिवर्सिटी की बहुत सराहना करती हूँ। अज बहुत ही साढ़े लिए और पंजाब के लिए माण वाली गल है कि अज असी गौरमेंट गर्ल्स स्कूल हुशियारपुर के GNA यूनिवर्सिटी वालों जिहड़े बच्चे प्लस टू के हुणे रिजल्ट दे विचों 90 तो उपर मार्क्स लैके आए हैं जां मैरिट दे विच आए हैं जिहड़े स्टेट लैवल के उन्हां नूं GNA यूनिवर्सिटी वालों असी अज जो है एप्रीसीएशन अवार्ड सैरेमनी जिहड़ी कर रहे हैगे हैं। और जित्थों तक मैनूं लगता है कि 80+ बच्चे जिहड़े 90% तो उपर मार्क्स लैके आए हैं और मैं लगता कि 6-7 जिहड़ियां इन्हां दीआं लड़कियां हैगीआं जिहड़ियां 3 मैरिट दे विच आईआं और 3-4 गर्ल्स आ जिहड़ियां 1 नंबर तो घट मैरिट दे विच रहीआं। अज GNA यूनिवर्सिटी उन्होंने एप्रीसीएशन देने दे लिए उन्होंने स्कूल में पहुंची है कि एक विद्या ही एक एजुकेशन ही एक इदा की कह लो अदारा हैगा एक इदा की कह लो अपना सोसाइटी है जिंदे विच असी बच्चों अगर इस तरीके की एप्रीसीएशन देंगे तो वह आने वाले अपने पंजाब नू और साढ़े पूरे अगर हिंदुस्तान की गल करिए एक बेहतरी दे लिए गल है। रेलवे मंडी स्कूल की आप गल करिए तो इतों बहुत सारे विद्यार्थियों जो मैरिट में आई हैं जेकर GNA जाना चाहती हो तो की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी वालों दी जाएगी? बिल्कुल जी, GNA यूनिवर्सिटी जिथे बच्चों इदा का सन्मान दे रही हैगी है तो उन्होंने अगे आने वाले भविख के लिए जी उन्होंने हायर एजुकेशन है उनके लिए GNA यूनिवर्सिटी उन्होंने बहुत हैवी स्कॉलरशिप जी अज बच्चों ऑफर की है कि जोड़े बच्चे 90% तो उपर मार्क्स लेके आए हैं उन्होंने असी 50% उन्होंने ट्यूशन फीस का कह लो कि स्कॉलरशिप के रूप के उन्होंने असी प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों असी जोड़ा है ऑलरेडी इन दे लैटर जोड़े है असी इस तो रिजल्ट तो पहला जोड़े बच्चों की एक्सपैक्टेशन से उन्होंने असी जोड़े है उन्होंने हूँ असी प्रोवाइड किए हैं और ये बच्चे जोड़े GNA दे विच अगर कल नूं साडे नाल ज्वाइन करदे और बहुत बच्चे ज्वाइन कर भी चुके हैं तो वो साडे लई भी माण वाली गल है कि प्लस टू दे विच इन्ने बेहतरी नाल जिहड़े रिजल्ट लैके आए हैं तो साडी GNA यूनिवर्सिटी दे विच बच्चे जेकर अपना कदम रखते हैं तो साडे लई भी वो कल नूं मैनूं लगता है कि आने वाले भविख दे विच साडे लई भी एक माण वाली गल है ये बच्चे जिहड़े बन सकते हैं। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.